सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का दूसरा अध्याय जैसा सवाल वैसा जवाब लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ में बादशाह अकबर और बीरबल की बात की गई है। बादशाह अकबर प्रसिद्ध मुगल बादशाह थे और इनके दरबार में कई मंत्री थे, उन्हीं में से एक थे बीरबल। मंत्री उसे कह सकते हैं आप, जो कि राजा को काम करने की सलाह देते हैं। मंत्री राजा को ये बताते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो लोगों की भलाई से जुड़े काम करने की राजा को सलाह देते हैं। तो बीरबल एक विशेष मंत्री थे अकबर के दरबार के, और सिर्फ मंत्री ही नहीं, वो अकबर के बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से हल कर लेते थे, और इसी वजह से वो बादशाह अकबर के प्रिय भी थे। तो इन्हीं अकबर और बीरबल की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी थी जैसे नक्कारखाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो आपकी कहानी में ये लिखा हुआ है कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीरबल की बुद्धि के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। बीरबल इतने बुद्धिमान थे, और अपनी इसी बुद्धिमानी के कारण और बादशाह अकबर के प्रिय होने के कारण कुछ दरबारी जो कि अकबर के दरबार में काम करते थे, वो बीरबल से बहुत जलते थे, मन ही मन उड़ते रहते थे और सोचते रहते थे कि ऐसा क्या करें कि बीरबल जो हैं वो अकबर की नज़रों में गिर जाएं, अकबर उनको पसंद करना बंद कर दे। तो इसीलिए वो नए नए तरीके सोचते रहते थे कि किस तरह से बीरबल को वो मुसीबत में फंसा सकें। अकबर के एक दरबारी जो कि बहुत ख़ास थे, उनका नाम था ख्वाजा सरा, ठीक है। तो ख्वाजा सरा को भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड था। उनको लगता था कि अरे मैं तो बीरबल से ज़्यादा तेज़ हूँ, मेरे पास बीरबल से ज़्यादा बुद्धि है, मैं ज़्यादा उससे ज्ञानी हूँ, और इसीलिए वो बीरबल को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते थे, बल्कि उसे मूर्ख और छोटा बच्चा समझते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि आप अपने आप को कुछ भी समझ लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि दूसरे आपके बारे में अच्छा ना सोचें। तो बीरबल जो थे, उनकी बुद्धिमानी के चलते पूरे दरबार में उनकी तूती बोलती थी। तूती बोलना यानी एकदम धाक जमना, है ना, सभी लोग उनका लोहा मानते थे कि अरे भाई बीरबल तो बहुत बुद्धिमान है, अगर कोई भी परेशानी हो तो बीरबल ही उसका हल निकाल सकते हैं। तो ऐसी हाल में ख्वाजा सरा की जो आवाज़ थी कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही सबसे तेज़ हूँ, ये बिल्कुल नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि आप चिल्लाते रहिए और आपकी बातों पर कोई ध्यान ही ना दे, है ना। तो बीरबल जो थे, उनको ख्वाजा सरा इसी जलन की वजह से हिंदुस्तान से यानी देश से बाहर निकलवा देना चाहते थे। पर निकलवाते कैसे, क्योंकि बीरबल की तो बहुत चलती थी दरबार में, वो तो अकबर के प्रिय थे। तो आगे पढ़ते हैं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है।
तो इस तरह से ख्वाजा सरा ने बीरबल को बेवकूफ़ साबित करने के लिए एक मतलब प्लान बनाया, एक तरीका अपनाया और उन्होंने कुछ मुश्किल प्रश्न ढूंढे, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब देना उनके हिसाब से बीरबल के लिए नामुमकिन था, असंभव था, है ना। और उन्हें विश्वास था कि जब बीरबल उन प्रश्नों को सुनेंगे तो एकदम उनके छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना यानी घबरा जाना, बीरबल बिल्कुल उन प्रश्नों को सुनकर घबरा जाएंगे और वो उनका उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। और जब उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बादशाह अकबर समझ जाएंगे कि अरे बीरबल के पास तो ज़रा भी दिमाग नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे ही इनके चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, है ना। और इस तरह से ख्वाजा सरा बीरबल को सबके सामने मूर्ख साबित कर देंगे। तो ये तरकीब ख्वाजा सरा ने अपनाई, लेकिन क्या ऐसा वो कर पाए तो ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कि उन्होंने आगे कौन से सवाल पूछे। तो आइए चलते हैं उनके पहले सवाल की ओर। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा साहब अचकन और पगड़ी, अचकन एक लंबी सी पोशाक होती है उसको, और पगड़ी जो कि सिर पर बांधते हैं, ये पोशाक पहनकर अपनी लंबी सी दाढ़ी सहलाते हुए वे बादशाह अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर उन्होंने बादशाह से क्या कहा कि बादशाह अकबर तो बहुत बुद्धिमान, सॉरी बीरबल तो बहुत बुद्धिमान बनता है ना, और आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं, हमेशा आपको भी वो बेवकूफ़ बना जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों को उससे पूछिए और अगर बीरबल ने जवाब नहीं दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीरबल सिर्फ नाम का बहादुर है, उसकी कलई खुल जाएगी। कलई खुलना यानी पोल खुलना, है ना, उसकी पोल खुल जाएगी। तो बादशाह ने ख्वाजा के अनुरोध करने पर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब आपसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। तो जब ख्वाजा ने ऐसा अनुरोध यानी विनती किया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा कि बीरबल ख्वाजा साहब जो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान हैं, वो आपसे तीन सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उनका जवाब देंगे। तो बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें, है ना। तो बीरबल ने भी बादशाह से कह दिया कि बिल्कुल मैं दूंगा उनके जवाब, वो अपनी खुशी से इन जवाबों को पूछें। तो क्या ख्वाजा साहब के तीन सवालों का जवाब बीरबल दे पाए या नहीं, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका गृह कार्य होगा कि आप पठित अंश में से कठिन शब्द, जो भी शब्द आपको मुश्किल लगे, उनको आप अपनी कॉपी पर लिखिए और उनके अर्थ ढूंढने की कोशिश करिए। पाठ के अंत में जब मैं कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी तो ये आपके लिए एक जांच साबित होगी कि आपने उन शब्दों के अर्थ सही ढूंढे हैं या नहीं। तो इसके अगले भाग के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।